माथा हरका को सुता डाल। आप देख सको पीला पंदा चल लिया आ रहा है। ये ऑफिस की बिल्डिंग बनाई हुई थी, ये भी तहस नहस कर दी गई है। ऑफिस को खुर्द बुर्द कर दिया गया। इसका मतलब यू है कि भाई आप यहाँ कॉलोनी प्लाट आप बेचने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सभी शहर वासियों को ये कहूँगा कि इस कॉलोनी में कोई प्लाट आदि ना खरीदे, ये पूर्णतः अवैध है। इसने आदमी ने ना कोई लाइसेंस लिया है, ना किसी विभाग से अन्य से परमिशन। इस बात की भी जांच होनी चाहिए। अब भी नोटिस आया नहीं आया। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। हर भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल कैथल की रणधीर कॉलोनी कौन सी बता दीजिए, रणधीर कॉलोनी एक्सटेंशन तक लाइव जुड़ गया हूँ। डीटीपी अनिल नरवाल मेरे गल मौजूद हैं इस टाइम मौका पर। दुम्मा ठहर गया को सुता डाल। आप देख सको पीड़ा पंदा चल लिया आ रहा है। और आपने मैं बता दूँ, कई बार हम कहा करें भाई जब भी प्रॉपर्टी की जब खरीद फरोख्त करो तो ध्यान रखा करो, नहीं तो काम हो जाएगा। बोला ऐ भी हो गया, ऐ भी हो गया, और बोला ऐ की हो गया, और वो नू भी हो जाए। बोला आज ये मुंड मुंडाए आज ये ओले फड़के, यानी कि आज ये कोई प्लाट देखने की बात चल रही थी। आज इस कॉलोनी में पीड़ा पंजा देख रहे हो आप। चलता पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बीच में पीड़ा पंजा चल रहा है। फिलहाल दो JCB गाड़ बुलाई गई है। सामने आप देखोगे आज बनाने पर, सामने आप देखोगे DTP अनिल नरवाल जो पीछे एक कॉलोनी में भी पीछे पंजा चला था, जो भगत सिंह कॉलोनी के साइड में जो कॉलोनी थी। तो आ जाओ जी थोड़ा आगे, आपकी आप द्वारा जो एक्शन लिया गया वो भी दिखा देंगे। और ये फिलहाल आप देखो धूर्त मंडल पूरा उठ रहा है। लेकिन ये जो सड़क को खुर्द बुर्द करे जान का सिस्टम हो रहा है, ये जो गलियां बना दी गई थी, ये इसलिए एक संकेत दिया गया है अगर भाई आड़ा आप प्रॉपर्टी खरीदियो ना खाम गई तड़कन है फंसोगे, क्योंकि CLU कौन हो रही है। तो DTP साहब से हम बात करेंगे भाई इसके लिए कोई लीगल नोटिस दिया गया था या बाकायदा किस तरह की कार्रवाई है यहाँ। तो DTP साहब एक उड़ाने मुड़ जाओ बाब, राम राम कर दो जी मेरा दर्शकाना जी। हाँ जी कर्मो जी राम राम जी। जी बताओ जी किस चैनल के माध्यम से धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पे पधारे। जी जी आप मेरा धन्यवाद दे रहे हो, लेकिन जिस कॉलोनी के अंदर पीड़ा पंजा चल रहा है उनने तो आप इस टाइम रड़क दे होगे भाई यू करवा कांड, भाई यू कर दिया कांड। तो एक सवाल बने हैं DTP से, मतलब रड़कन लग जाएगा अधिकारी अब भी किसा मारा बने बना दफ्तर तोड़ दिया किसे पीड़े पंजा चला दिए जी। ये जो है करनाल रोड पे रणधीर कॉलोनी है, उसकी एक्सटेंशन है 6 एकड़ इसका एरिया है। अच्छा, जिसमें जो है 6 एकड़ में कच्ची सड़कें बनी हुई हैं और 27 रिहायशी मकानों की DPC बनी हुई थी। अच्छा, जो सामने सारी चारों तरफ टूटी हुई हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ एक ये ऑफिस की बिल्डिंग बनाई हुई थी, ये भी तहस नहस कर दी गई है। और ये मेरा अभियान हमेशा अब आगे कर लगातार चलता है। इस तरह आपने बड़ा आराम से यह बात कह दी एकदम भाई ये तहस नहस कर दी गई है। एक तरफ आपकी बात का एक एंगल, दूसरे नु सोचेंगे जिसकी जिसने कॉलोनी काटी होगी देख चुका आराम तो सर कह रहे बात में। लेकिन एक लीगल पॉइंट हो अगर उस लीगल पॉइंट को भी आप एक बार दर्शकों तक बताओ ताकि किसी का कोई चुंगड़ में नहीं फंसे उस ध्यान रखे। बिल्कुल तूफान आने से पहले अपने तंबू बांध लेने चाहिए। मैंने सबसे पहले जो इसमें 100 मालिक हैं, 100 के 100 मालिकों को मैंने 100 काज नोटिस दिया, उन्होंने कोई परवाह नहीं करी 100 काज नोटिस की। हियरिंग का टाइम दिया था, हियरिंग पे नहीं आए। उसके बाद मैंने अपने एक्ट की पालना की, पालना में जो है मैंने निर्माण गिराओ नोटिस जारी किया, उसके बावजूद भी इन्होंने परवाह नहीं की। जी जी। उसके बाद मैंने एक नोटिस बोर्ड भी लगाया था इनका कि यहाँ कोई प्लॉट आदि ना खरीदे। प्लॉट आदि तो नहीं खरीदे गए हैं, लेकिन यहाँ कच्ची सड़कें जरूर बनी हैं जिनको आज हम तोड़ने आए हैं। और मैं सभी शहरवासियों को ये कहूँगा कि इस कॉलोनी में कोई प्लॉट आदि ना खरीदे, ये पूर्णतः अवैध है। इसने आदमी ने ना कोई लाइसेंस लिया है, ना किसी विभाग से अन्य से परमिशन ली। देखो DTP साहब, जब भी पीले पंजे चले हैं कहीं भी तो एक नाम उसमें आवा है निकल गया, वो है DTP RS भाट जो गुरुग्राम में थे। और मैंने देखा था जो पूर्व विधायक थे गुड़गांव के उमेश अग्रवाल, उनकी साइट पर पीला पंजा आया था, होटल के सामने चलाया गया था। और मैंने भी वो कवरेज करी थी, उन्होंने सड़क भी खुरेद दी थी, सारा कुछ एक कोशिश करी गई थी एक मैसेज देने की कंज्यूमर को भाई आप ना फंसो। तो आड़ जी पीला पंजा चला तो दूसरा नाम RS भाट का नाम बन गया अनिल नरवाल, DTP अनिल नरवाल। तो किस प्रकार की चुनौतियां भी आवा, आप पुलिस की गाड़ी भी लेकर पहुंचे हो, मौके पर अधिकारी भी तैनात है। मैं आपको बताऊं ये अभियान 11 बजे शुरू हो गया था। जूम ना ले हो भाई बार बार क्योंकि बल्डिंग हो जाएगी। 11 बजे ये अभियान शुरू हो गया था और सवेरे सवेरे जब हम कार्रवाई करने लगे तो जींस से CM फ्लाइंग भी आ गई थी।
उनका पूरा हमला लगभग जहाँ पे 3 घंटे मौजूद रहा जी, जी, जी। उसके बाद जो है यहाँ कमेटी वाले भी आए, कमेटी वालों ने भी कार्रवाई की भी और देखी भी जी, जी। और मेरे साथ जो है लगभग 50 आदमी पुलिस के आए में है, सिक्योरिटी के लिए जो है सामने जी। तो देखो हम तो यह करना चाहते हैं कि आम पब्लिक खरीदारी करोगे तो फंसोगे, इसलिए संकेत जो गलियां हैं कच्ची हालांकि सक गया या भी तोड़ दी गई, इसका भी संकेत है। जगह जगह जो गड्ढे बनाए गए, आप देखो पीछे कैमरामैन मैं अमित गढ़ सकूंगा, पीछे खा दो आप सामने देख रहे हो, ये गड्ढे आप देख रहे हो, ये तस्वीरें उस चीज ने पाया करे भाई, आप जब भी प्रॉपर्टी करो बार बार सोचो, नहीं तो डीपी साहब जो बजा है वो नुआ चला आज डीपी एक जल्दी भी प्रकार से दर करेला बड़ा मीठा सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँ। कई बार हमने देखा कुछ डीडीपी हैं जो अधिकारी वर्ग में आप लोग पाओ हो तो कई लोग कहें भाई माता जी चढ़ावाया जाए तो वह कॉलोनी ठीक डीडीपी खातर नहीं आओ तो गलत, इसका बताओ जवाब दो आप। आप मेरे साथ आज सेकंड बार आए हो, चारों तरफ जो मैंने कॉलोनी तोड़ी है जी। कहीं इसमें आपको क्या लगता है कि किसी ने चढ़ावा चढ़ाया हो तो इतना नुकसान होता है जी जी। आप इधर पीछे भी देखो, इधर पीछे भी देखो, और 11 बजे चल रहे हैं सारी डीपीसी आपके सामने जी जी, इधर देख लो जी जी। तो भैया हम तो इन चीजों से रहते हैं दूर, हम तो इज्जत और सरकारी नौकरी बचाने के चक्कर में और नियमानुसार अच्छा कई बार डीडीपी साहब धमकियां मिलनी भी शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरह के भी वाक्य हमने देखे डीडीपी उनको भी धमकियां मिली थी पीछे, तो धमकियां भी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, कई बार तो रात नींद भी नहीं आती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में नियमानुसार काम किया है और गरीब आदमी को बचाने की कोशिश की है। मेरा ये इस कड़ी में ये अभियान चलता है कि गरीब आदमी फंस जाए, जो अपनी सारी जिंदगी की कमाई कोरोनाइजरों के हवाले कर, और उस बात पे पता चले कि मेरे नाम तो प्लाट। अच्छा एक समस्या कोरोनाइजर भी थी, वो जब सीएलयू की बात या फिर जो आपके लीगल पैरामीटर है उनकी पूर्ति के लिए जाओ तो उनके सरकार ने पॉलिसी बहुत बनाई है, गुफा सिंह अफोर्डेबल गुफा सिंह, तो इनमें जो है 60 का प्रोसेस है सिर्फ एमडी इसके अंदर की 30 फुट का रोज होना चाहिए जी जी। और जो लीगल फीस है लेकिन मैंने पूरी कोशिश कर ली, अभी तक सिर्फ एक आदमी को छोड़ के कोई भी ऑर्गेनाइजर जो है लाइसेंस लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक की पूरी कर, सिर्फ एक आदमी ने कोशिश की है और उसका भी प्रोसेस में है, मेरा एक वही नेत्र अभियान चल रहा है कि मैं मोड करूं ये लाइन पे आ जाए, ये लाइन पे आ जाए। अच्छा ये इस जो रणधीर का तो इसने अप्लाई नहीं किया अभी, अच्छा अब ये जब अप्लाई करेगा तब पता चलेगा। तो कुछ के बाद खरीद हो कुछ प्लॉट नहीं, कोई खरीद नहीं है, 100 मालिक है, जदी मालिक है। आने तूफान आने से पहले तंबू बंद हुआ दिए, कोई को फसना चाहिए बिल्कुल, फंस गया तो फिर को नहीं। गरीब मेरी कोशिश रहती है कि गरीब आदमी फंसे। चलो धन्यवाद, फिलहाल तो फिलहाल तो डीटीपी अनिल राणा है, उसने बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बाकी फिलहाल पीछे आप देख रहे पुलिस की मौजूदगी प्रशासन की मौजूदगी के बीच में और बात की, ये मैं तस्वीरें आपने दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर देख लो, फिलहाल जो एक कार्यालय बना गया था इसमें आप देखो डीटीपी अनिल नरवाल जो कैथल गए उन द्वारा कार्रवाई करी गई है। सामने आप देखोगे ये करनाल रोड की सड़क सामने नजर आने लग रही है, करनाल रोड ठीक इसका सटी हुई कॉलोनी है, एक प्राइम लोकेशन इसको कहते आप भाई, एक उपभोक्ता के लिए जो लोकेशन हो रहे हैं, तो फिलहाल ये कार्रवाई करी गई है। और कॉलोनी की तरफ से है बोलो, अच्छा कोई नहीं, तो फिलहाल आप देखो ये आपको नोटिस वगैरह आया था जब, कोई नोटिस नहीं आया, अरे डीटीपी साहब कह रहे नोटिस दिए थे मैंने, अरे कुछ नहीं आया नोटिस, कोई नोटिस नहीं। चलो ये एक जांच का विषय फिलहाल जो
कॉलोनाइजर हैं, ये लोगों का कोई नोटिस नहीं आया। फिलहाल आप देखो ये सामान निकालने के लिए बोले था आप लोगों को भाई सामान निकाल लो पहले। फिलहाल आप देखो ये आप ऑफिस को खुर्द बुर्द कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि भाई आप यहाँ कॉलोनी काट के मकान यदि प्लाट यदि प्लाट प्लाट आप बेचने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन फिलहाल जो सज्जन यहाँ बैठे जो व्यक्ति इनका नू भी कहना है भाई कोई नोटिस नहीं आ रहा हमारे द्वारा और ये एक जांच का भी विषय है। हालांकि DTP जो अनिल नरवाल पूरे होशवास में लीगल बातों के ऊपर बात कर रहे हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए अभी नोटिस आया नहीं आया। फिलहाल यदि कॉलोनाइजर के साथ कुछ गलत होया होगा तो कानून का दरवाजा जरूर खटखटाएं। फिलहाल जो DTP मोदे हैं अपना काम करके निकल गए हैं, जो कच्ची सड़क बनाई गई थी वह खुर्द बुर्द कर दी गई है और JCB है उन्होंने अपना जो बोला सैनिक को पीछे मुड़ो तो JCB जो है वो पीछे मुड़ ली है, पीछे की साइड हट ली है और शायद इस कॉलोनी में 6 एकड़ के अंदर या कॉलोनी बताई जिस तरह DTP अनिल नरवाल ने। तो फिलहाल प्रशासन ने अपनी गाड़ी मोड़ दी है, ये कार्रवाई हमने दिखाई थी। आप भी बताइए एक उपभोक्ता ने अपने जो सपनों का घर है उसका बनाना पहले प्लाट ले फिर तो घर बना हुए उसे पहले के बताऊंगा कि बताऊंगा देना चाहिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इस तरह का जो ये जो कच्ची कॉलोनी है या इलीगल है या अवैध है यदि उसमें वो प्लाट ले ले तो उसका चुंगड़ मत है वो आज़ाद हो सके नहीं हो सके किस तरह फंस जाए उपभोक्ता बहुत सारे हमने देखे हैं। तो उसी कड़ी में हमने यह जागरूक करने का तरह वीडियो बनाई है। तो हम भी कमेंट करके बताइए भाई जो ये कॉलोनी आ गए ये कॉलोनियाँ की प्रक्रिया जो इनकी एलिजिबिलिटी की या फिर इनको लीगल बनाने की या CLU की जो प्रक्रिया है वह सरल को नहीं की जब ये दिक्कत आवे या कोई बहुत बड़ा लालच का मामला है कर दो शेयर भाई। फिलहाल इन तस्वीर आप छोड़ कर जाऊँ शेयर करता हूँ।